हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यू चैनल कुंदन स्टडी। आप सभी का कुंदन स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं वैदेशन मिश्रा आज आप सभी को पॉलिटेक्निक 2020 के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज पॉलिटेक्निक 2020 में कितना परसेंट कौन कैटेगरी को छूट है ये बताऊँगा, तथा आप लोग को ये बताऊँगी कि हर कैटेगरी वाइज कितना सीट है, क्यों उतना रैंक के अंदर है तो उनको कॉलेज अलॉट होने की बहुत बहुत संभावना है। तो देखिए बिहार आज हम लोग बताएंगे, देखिए हेडलाइन पढ़ लीजिए आप लोग, बिहार पॉलिटेक्निक रिजर्वेशन सीट एंड यूआर रिजर्वेशन सीट, मतलब यूआर को कितना छूट भी है, यूआर में कितना सीट है और आपका रिजर्वेशन में कितना सीट है, मतलब हर कैटेगरी वाइज कितना सीट है। तो देखिए पहले परसेंटेज वाइज हम लोग बात करेंगे, प्रतिशत वाइज बात करेंगे। तो देखिए एससी को 16% आपको छूट है, एससी को कितना छूट है बाबू, 16% छूट है आपका। शेड्यूल कास्ट हो गया एससी का फुल फॉर्म। एसटी को कितना है, एसटी को 1% है, बिहार में बहुत कम एसटी पाया जाती है इसी कारण एसटी को कितना परसेंट है, 1% छूट है शेड्यूल ट्रेवल्स। ईबीसी को कितना है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को 18% छूट है, एबीसी को कितना है 18% आप लोग को छूट है। देखिए आप लोग को अभी हम बताएंगे पूरा अच्छे से। बीसी को कितना है, 12% छूट है आप लोग, 12% छूट में जो जो बीसी कैटेगरी से बच्चे फॉर्म भरे थे या ईबीसी से भरे थे या आपका एससी से भरे थे एसटी से भरे थे, तो उनको जो परसेंटेज वाइज छूट है रिजर्वेशन है वो हम बता रहे हैं। और आप लोग देखिए गर्ल्स को कितना छूट है, 3% छूट है, और गर्ल्स के लिए 2 सेपरेट कॉलेज भी है, तो गर्ल्स पे एक स्पेशल वीडियो भी हम बना देंगे। गर्ल्स के लिए 2 सेपरेट कॉलेज भी है गर्ल्स के लिए, तो हम लोग गर्ल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, पटना में आपका कॉलेज सेपरेट है जहां आप लोगों को गर्ल्स का बहुत ज़्यादा होने का संभावना रहता है। ईडब्ल्यूएस वाले को कितना, इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन को 10% छूट है। स्वर्ण आरक्षण, हम लोग जानते हैं ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म स्वर्ण आरक्षण, इसमें आप लोग को फर्न लोग को 10% की मोदी सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया है, इसका एक सर्टिफिकेट बनता है। और फिर 40% आपका यूआर सीट बच जाता है, मतलब जनरल सीट बच जाता है, ये नहीं कि जनरल कहीं बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, जो बच्चे ये ओबीसी भी हैं और जनरल से फॉर्म डाले हैं वो यूआर में ही आते हैं, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था इसी कारण। तो देखिए ऊपर आप लोग जोड़ लीजिए कितना परसेंट पूरा रिजर्वेशन का हो गया, 16 पहले हो गया, 17 हो गया और फिर 18 हो गया, 35 हो गया और 12 हो गया, 47 हो गया, 12 हो गया, 47 हो गया, 3 50 हो गया और 10 60 हो गया, मतलब 60% बिहार पॉलिटेक्निक में, बिहार पॉलिटेक्निक में आपका 60% जो है वो रिजर्व सीट है, मतलब कैटेगरी वाले बच्चे सब रिजर्व कर लिए हैं सीट, और 40% ही सिर्फ सीट जनरल है, मतलब कि जिसके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास सिर्फ 40% है, इसी में उनका सिलेक्शन होगा, 12,000 का मतलब 40% है। अब देखिए सीट वाइज हम बात करेंगे, अब सीट वाइज क्या आप लोग को हम रैंक वाइज कहा जाए, अगर आप कोई कैटेगरी से, मानिए एक बच्चा ओबीसी से फॉर्म डाला था, बीसी से फॉर्म डाला था और उसका इसके अंदर जितना अभी हम दिखाएंगे फिट, इसके अंदर अगर उसका रैंक है तो उसका हम बोल दें कि 100% कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा, लेकिन इसके पार भी हो उसको भी कॉलेज मिलेगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा जिसका ज़्यादा यूआर रैंक और कैटेगरी रैंक है, उस पर हम कॉल फिलिंग के टाइम में एक वीडियो मिलेगा कैसे वो लोग च्वाइस फिलिंग करें कि अच्छा कॉलेज से अच्छा कॉलेज वो लोग को मिले, इस पर भी वीडियो मिलेगा। तो देखिए आप लोग देखिए एससी वाले का अगर कोई बच्चे का 1920 के अंदर रैंक है, मतलब कोई बच्चे का 1919 भी रैंक है, 1920 भी रैंक है, तो बच्चों का 100% मतलब कॉलेज मिलने का चांस है, क्योंकि एससी लोग के लिए इतना सीट आपका बिहार पॉलिटेक्निक में रिजर्व है, एससी के बच्चों के लिए 1920 सीट बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व है, मतलब 1920 के अंदर उनका अगर रैंक आ रहा है एससी में तो उनको मिलने की संभावना है। एसटी में अगर 120 के अंदर है, मतलब 120 के अंदर रैंक है, तो उनको 100% कॉलेज मिलेगी। ईबीसी में आपका 2160 रैंक के अंदर आपका है, 2160 रैंक के अंदर है तो आपको 100% कॉलेज अलॉट होगा। और आप लोग को हम बता दें कि बीसी में अगर आप लोग का 1440 रैंक अंदर है तो
तो आपको 100% सीट अलॉट होगा, क्योंकि इतना सीट आपको बिहार पॉलिटेक्निक में बीसी के लिए है, इतना सीट आपका बैकवर्ड क्लास वाले बच्चों के लिए है, तो लोग को मिलेगा, इसके अंदर रहेगा तो इसके अंदर आएगा। मानिए आपके पास 1440 सीट है, जो बच्चा अगर 1200 रैंक ला रहा है तो उसको तो पूरा संभावना है मिलेगा, जो बच्चा 100 रैंक ला रहा है बीसी में तो उसको पूरा चांस है, उसको 100% फी भी मिलेगा और अच्छा कॉलेज में, टॉप कॉलेज में मिलेगा। गर्ल्स के लिए 360 के अंदर है फीमेल रैंक, फीमेल रैंक आप लोग को मिला होगा उसके अंदर है, तो आप लोग को 100% मिलेगा। और आप लोग के लिए स्पेशल दो कॉलेज भी है, क्या है, आप लोग तो ऐसे 42 कॉलेज में एडमिशन ले ही सकते हैं, आप लोग जो है ऐसे 42 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्ल्स हैं तो दो कॉलेज आप लोग के लिए स्पेशल बिहार में है, समझे। चलिए EWS वाले को लिए 1200 सीट है, कितना है 1200 सीट, अगर EWS रैंक 1200 के अंदर है तो आपको 100% कॉलेज मिलेगा, इसके पार भी है, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे कि वो कैसे करे, उनको कोई ना कोई ब्रांच और टेड मिल जाए। UR फिर 4048, मतलब कोई बच्चे, अगर कोई बच्चा कुछ से भी फॉर्म नहीं डाला था, कोई अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी कैटेगरी नहीं डाला है, कोई भी कैटेगरी नहीं डाला है, तो अगर वो 4800 के अंदर UR रैंक उसका है तभी उसको कॉलेज मिलेगा, उसके ज़्यादा है तभी भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए काउंसिलिंग ठीक से करवाना पड़ेगा, लेकिन 4800 के अंदर रहेगा तो उसको 100% कॉलेज मिल जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, इस नंबर से आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या और कोई भी जानकारी रहेगा, तो इस नंबर से आप लोग पूछ सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पे आ गया 9142262316, इस पर आप लोग पूछ सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।